सत श्री अकाल, राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नविता क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो नाश्ता वास्ता अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है ना, वो सब हो गया है और इस टाइम 9:30 के लगभग बजे हैं और बेटा गया था ऊपर पानी डालने के लिए प्लांट्स में, और मैं यहाँ पे बाहर वाली साइड को धुल दे रही हूँ, बाहर वाले प्लांट्स में पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे ना पोछा नहीं लग पाता है क्योंकि गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है, इसलिए यहाँ पे मैंने पाइप से पानी लगा देती हूँ। तो मैंने गाड़ी पे भी थोड़ी धूल मिट्टी सी हो रखी थी, उसके ऊपर भी पानी डाल दिया है, बाहर रोड पर पानी डाल दिया है, नाली में पानी डाल दिया है। तो अच्छे से साफ़ सफ़ाई हो गई है इस वाली साइड को, और उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पे मैंने वाइपर लगा दिया है ताकि ये सूख जाए, और 10-15 मिनट में सूख जाता है। अभी ना दिन थोड़े गरम गरम होने लगे हैं, मतलब सुबह से काफ़ी अच्छी तेज़ वाली धूप लगी हुई है, और ऊपर वाले प्लांट्स में बेटा पानी डाल के आ गया है। तो ये हो गया है हमारा काम। इसके बाद छोटे वाले बेटे ने तो शावर ले लिया है और अब मैंने बड़े वाले बेटे को शावर दिला दिया, अपने लिए मैंने पानी लगा के रख दिया है क्योंकि दिन थोड़ा चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना नहीं है कि ठंडे पानी में नहाया जाए। मेरे हाथों पैरों में थोड़ा दर्द होता है, इसलिए मैं गर्म पानी में ही नहाती हूँ। तो देखिए, शावर ले लिया है इसने, अब मैं फटाफट से इसको बस कपड़े पहना दे रही हूँ, इसके बालों में ऑयल वगैरह लगा दूँगी, हल्का सा क्रीम व्रीम लगा दूँगी और ये हो जाएगा अच्छे से रेडी, और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और बस आज थोड़ा ना मन थोड़ा अपसेट सा होता है, कभी कभी होता है। एक तो मतलब मैं शरीर से इतना परेशान हूँ, 1 साल हो गया मेरे को तबीयत ख़राब हुए, ऊपर से मतलब इस तरह जैसा बेटा है मेरा, स्पेशल चाइल्ड है, तो है मैं अपने आप से डील कर रही हूँ ना अपनी स्थिति से, लेकिन लोग आ जाते हैं पिंच करने के लिए, मतलब बस क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते। लोगों का मतलब सामने का एटीट्यूड पीछे का एटीट्यूड बड़ा अलग होता है, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं लोग। पेरेंटिंग को लेके स्पेशली इतनी एडवाइस रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे भाई, मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि क्या करना है, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई सोच सकता है क्या इसके लिए? लेकिन इतना जजमेंटल होते हैं ना, मतलब दोनों तरह से आफत मचा के रखते हैं कि अगर यहाँ तक कि डिसाइड करते हैं कि इसको कितना खिलाना है, कैसे पहनाना है, क्या करना है। यार, हद होती है किसी ना किसी चीज़ की। बातें करते करते मतलब पहले बातें करेंगे, आएंगे बैठेंगे, अरे किस्मत ऐसी है, ये है, वो है, पूर्व जन्म के कर्म हैं, पुराने जन्म के कर्म हैं, फलाना ढिमकाना। स्पेशली सारे कर्म जो होते हैं ना, वो मम्मा के होते हैं, इस जन्म के हों या पुराने जन्म के हों। तो सॉरी, थोड़ा मैं अपसेट साउंड कर रही हूँ, बट मतलब ऐसा होता है यार, जो है वो है, जैसी स्थिति है वो है। हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, अच्छे से अच्छे देख रहे हैं, और देखेंगे, कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला है। और मतलब बातें बनाने के लिए हर कोई आ जाता है, लेकिन एक्चुअल स्थिति को कोई नहीं समझता। खैर चलो, दुनिया है, ऐसी ही होनी है। पर ये होता है ना कि कितना भी मैं तो हमेशा अवॉइड करती हूँ हर चीज़ को, क्योंकि 17-18 साल हो गए इस चीज़ से, मैं तो हमेशा अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, दिमाग पे हैवी हो जाती हैं चीज़ें। खैर चलिए, छोड़ते हैं इस चीज़ को, सॉरी। तो बस देखिए, उसको कर दिया है तैयार, और उसके बाद मैं भी फटाफट से शावर लेके आ गई थी, और अभी ना 2-4 गर्म सूट निकाले हुए हैं क्योंकि सुबह शाम की थोड़ी वो है, जैसे काम करती हूँ तो गर्मी लग जाती है, लेकिन ये है कि सुबह शाम चाहिए होते हैं। सो बस मैं फटाफट से हल्का फुल्का सा टचअप कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ अपनी किचन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय किचन। और मैं बना रही हूँ झटपट वाला लंच। इस साइड को मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और दाल में मैंने पहले उबाल के रख ली थी, और अब मैं सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। नो गार्लिक, नो ऑनियन, नो जिंजर, मतलब कुछ भी नहीं। तो सिंपल जीरा धनिया में तड़का लगने वाला है मेरा, घी मैंने गर्म कर लिया है। इसमें मैं तड़के में घी डाल देती हूँ, एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है, और बाद में मैं घी नहीं दूंगी, मतलब जो ऊपर से लेते हैं ना वो नहीं दूंगी। तो मैं इसलिए आज डायरेक्ट तड़के में घी में ही तड़का लगा रही हूँ। तो देखिए, घी हमारा हो गया है गरम, तो डाल दिया है जीरा, धनिया, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, बस बेसिक से मसाले। और दाल उबालते टाइम पे मैं सिर्फ नमक डालती हूँ, हल्दी पाउडर भी मैं तड़के में डालती हूँ, तो इससे ना कलर अच्छा आ जाता है। और साथ में अपनी खट्टी मीठी चटनी, ये इससे एक खट्टा मीठा टैंगी सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी दाल में। ये देखिए, थोड़ी सी 1 से 1.5 चम्मच, और ये ना अरहर की दाल में बहुत अच्छी लगती है, और आज मैंने अरहर की दाल ही उबाल के रख ली थी,
और बस इसको इसमें डाल दूंगी और दाल हमारी हो जाएगी तैयार। ये देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है इसकी, ना बहुत ज्यादा ठीक है ना बहुत ज्यादा रनिंग है। तो देखिए बस तड़का हमारा लग गया है। दो मिनट लगेंगे बस इसको एक उबाल आने दूंगी। दैट्स इट। कपड़ा कहाँ है? इसमें ना मलाई है। देखिए ढेर सारी मलाई इकट्ठी हो रखी है, इसको मुझे फेंटना है। तो मैंने ना इसलिए इसको फ्रिज से बाहर रखा हुआ है निकाल के, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी हो रही थी ना, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी तब इसको फेंट लूंगी। लेकिन पहले खाएंगे हम खाना, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। चावल में भी सीटी आ जाएगी बस दो चार मिनट में। तो चलिए गाड़ी में लगाने के लिए मिरर पे आगे, इनको मैं गाड़ी में सेट कर दूंगी। मुझे बहुत क्यूट सी लगती है ये, पहले भी थी उसमें लगी हुई ना, पहले वाली वो खराब हो गई थी तो बस न्यू लेके आ गई हूँ, उनको हटा के और वो लगा दूंगी। और तो कुछ नहीं, और तो बस मैं एक पेड़ लग ली ये, और एक दो पेड़ लेके आई हूँ मैं नेहा मेहंदी के पाउच बरगंडी कलर के, क्योंकि मेरे पूरे हेयर व्हाइट हो रखे हैं, पूरे ग्रे हो रखे हैं, तो मैं मेहंदी लगाऊंगी। अब गर्मी भी होने लगी है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो आज शाम को मैं घोल के रख दूंगी और कल लगाऊंगी। चलिए फिलहाल मैं इनको रख देती हूँ गाड़ी पे, मैंने कवर डाल दिया है और इसको उसमें लगा दूंगी। खाना लेके जाओ आयुष, जल्दी आओ आओ फटाफट। क्या कर रहा है अंदर? ले रेस्ट, क्योंकि खाने के तुरंत बाद ना मेरे से काम नहीं होता, पेट एकदम हैवी हैवी सा हो जाता है, फिर मन करता है कि 15-20 मिनट के लिए तो कम से कम लेट जाऊं, उसके बाद चाहे कितना ही काम कर लो बट खाने के तुरंत बाद नहीं होता है। तो चलिए उसके बाद ना आधा पौना घंटा हो गया, फिर मैं आ गई अपनी किचन में फटाफट से किचन की साफ सफाई करने के लिए, कि पहले बर्तन धुल देती हूँ फिर काउंटर टॉप को क्लीन कर दूंगी, तो बस काम हो जाएगा फटाफट से। और उसके बाद में आगे का काम करना है। उधर ना साइड में आपको एक जाली सी दिख रही है, वो काफ़ी पुरानी जाली है, उस पर ना जड़ लग गया है, तो उसको ना मुझे पेंट करना है। वो मतलब पुरानी है लेकिन अभी काफ़ी मजबूत सी है, तो उसको मैं वाइट से पेंट कर दूंगी ना, तो अच्छी सी हो जाएगी वो दिखने में, तो उसको मुझे अभी यूज़ करना है, इसलिए मैंने उसको अभी निकाला हुआ है। तो देखो आज करूँगी या कल, पर करना है मेरे को उसको। बहुत खराब हो रहा है, इतने बाल टूट रहे हैं ना, मतलब सीधे जड़ से निकल रहे हैं, कुछ आधे से टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हो रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कंडीशन तो करूंगी मैं अपने बालों पे, मेहंदी घोलूंगी, लेकिन उससे पहले ना मैं इनको हल्की सी ट्रिमिंग कर लेती हूँ। कोई आया क्या? तो मैं करूंगी कटिंग घर पे ही हल्की फुल्की सी। क्या हो गया कन्नू, हो गया खेल खत्म? चलो तो पढ़ लो, अब लिख लो, है ना। तो ये गया था बाहर खेलने के लिए, आ गया ये, कहाँ है ये रहा। इसका पता एग्जाम है और इसको खेलने की पड़ी है। इधर तैयारी, इसका एग्जाम है वो भी साइंस का, और दिमाग इसका पड़ा हुआ खेलने में, अभी भी आधा घंटा खेल के आ रहा है, पूरा ही टेंशन ही नहीं है साइंस का। इसका एसएसटी का, हाँ ठीक है, चलो आधा, हाँ आधा तो लिख लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो, इसे तो बस आधा होली खेलने के लिए। तो मैं करती हूँ हल्की फुल्की सी ट्रिमिंग, तो चलिए। हाँ हाँ, तो धुल के आप यार इसको, मिट्टी के हो रखे हैं ये, बाहर खेल के आ रहा है। ठीक,
तो मैं आ गई हूँ अपने बालों की ट्रिमिंग करने के लिए, मतलब हल्के से कट करने के लिए नीचे से, और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना खुद से, तो धक धक भी हो रही है कि कहीं बिल्कुल गलत से ना हो जाए, जीप से। पर मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो फिर मैंने सोचा ट्राई तो करना चाहिए, वैसे भी इतने ख़राब हो रखे हैं बालों की कंडीशन, थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर जाके मैं अच्छे से कट करा लूँगी, और अगर सही हो गए तो फिर अच्छा है, इससे अच्छी क्या बात है। तो बस फटाफट से मैं सारा सामान ना बाहर की साइड को लेके आ गई हूँ, यहाँ पे ना अच्छी रोशनी हो रही है, बाहर की जो मतलब नेचुरल लाइट है ना वो अच्छी खासी रहती है, तो बस यहीं पे आ गई हूँ, और बेटा अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बालों को मैंने थोड़ा सा गीला करके ना अच्छे से कॉम कर लिया आगे की साइड को, और बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पे लगा ली है रबड़ सारे बालों को टाई करके। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से टाइट कर लूंगी, और आप देख रहे हैं मेरे बाल कितने मतलब बहुत हल्के बाल है मेरे सर पे, थोड़ा खुले रहते हैं तो दिखते हैं, वरना वॉल्यूम नहीं है मेरे बालों में बिल्कुल भी, बहुत पतला बाल है और लंबे भी नहीं है, लेकिन अनहेल्दी हो रखे हैं इस टाइम पे, तो इसलिए काटना ज़रूरी है, वरना काटने लायक तो है नहीं ये। चलिए कोई नहीं, सो मैं चलिए कर लेती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर ही देखा है कि कैसे घर में करते हैं, मैंने कभी नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो इस बार ट्राई करती हूँ, क्योंकि क्या इन बालों को लेके जाऊं मैं बाहर। तो देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से टाइटली टाई कर लिया है, अगर लंबे बाल हैं तो दो रबड़ डाल दें, एक यहाँ एक नीचे, तो मेरे तो छोटे से ही हैं तो ऊपर डाल रही है, और जहां से मुझे कट करने हैं उतना मैं पकड़ ले रही हूँ अपनी फिंगर में इस तरह से, थोड़ा सा और पहले थोड़ा सा कम ले लूँ, इतना ले लेती हूँ, एक डेढ़ इंच के, अब मैं इनको कर लेती हूँ कट। ये कैंची भी सही नहीं चल रही, देखो कहाँ भाग रहे हैं, देखो कैंची ठीक नहीं चल रही ना, सार से नहीं कट रहे, कोई नहीं। कर लिया है हल्का सा गीला करके ना, एक बार और ऐसे करके देख लेंगे, कभी कोई बाल मुड़ा उड़ा तो नहीं रह गया, तो अगर कोई लंबा सा निकल रहा होगा तो उसको कर लेंगे कट, वैसे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब इस तरह से रैंडमली ना मैं छोटे छोटे से कट लगा दूंगी, ऐसे देखा था मैंने, तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से, ये कैंची भी मेरी सही से काम नहीं कर रही है, बट हो गया है, तो चलिए देखते हैं खोल के, थोड़ा कैमरा ऊपर। थोड़ा तो मेरे को लग रहा है कि बेटर हो गए हैं पहले से, अभी हम कॉम कर लेते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं, और कभी मैं साइड की मांग निकाल लेती हूँ, कभी बाल में ऊपर कर लेती हूँ, बीच की मांग, सेंटर वाली मांग मेरी निकलती ही नहीं है। चलो नॉट बैड टॉल, आगे से बाल ना मेरे थोड़ा ऐसे ही है, कोई नहीं, और बैठना अच्छा लग रहा है, पहले से तो बेटर है, बहुत ज्यादा खराब हो रखे थे। पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, और मेरे बाल ना कर्ली है इसलिए ये वॉल्यूम सी दिखती है, वैसे है नहीं, ये देखिए, आई थिंक पहले से तो काफी बेटर है, और अगर मैं फिलअप भी करूंगी तो हो जाएंगे, क्लचर लग जाएगा। सो चलिए, मैंने लगभग एक डेढ़ इंच के बाल कट कर लिए, थोड़ी सी ट्रिमिंग हो गई, और बीच बीच में ट्रिमिंग करते रहते हैं ना तो ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है, मैंने काफी टाइम से की भी नहीं थी, पता नहीं कितने महीने हो गए मैं ऐसे ही थी। सो ये हो गया है, चलो बालों को उठा के डाल देते हैं फटाफट से कचरे में। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग भी हो गई है अच्छे से बालों की, और जितना मैं डर रही थी ना कि कहीं बिल्कुल मैस ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छे से ठीक ठाक से लग रहे हैं। और बेटा मेरा अंदर कर रहा है पढ़ाई, वो लिख रहा है, मतलब जो उसने याद किया ना एक बार लिख के प्रैक्टिस कर रहे रहा, उससे क्या होता है कि स्पेलिंग वगैरह अगर कुछ मिस्टेक हो तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देती हूँ, मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, देन सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल आइकन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।